देखिए हजरत खदीरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार मुकद्दस है जी। इससे पहले बगल में गांव है टेढ़ी हरैया जी, इनका क्याम टेढ़ी हरैया में था। क्याम मतलब क्या होता है? मैंने क्याम मैने रहना सहना, उनका छोटा सा कुटिया घर टेढ़ी हरैया में था। जिस मुकाम पर इनका घर था आज भी वहाँ एक बोर का पेड़ है, अभी भी है, अभी भी है, वो देखने के लायक है। हाँ। उसी बर के पेड़ के नीचे ही रहा करते थे, ये मौजूद थे, फकीर थे, अल्लाह वाले थे। इनके साथ बहुत से मुरीदीन भी थे साथ में। इन्होंने कहा था कि मैं फलाना तारीख को जा रहा हूँ। इनके मुरीदीन लोग 3 दिन नहीं आए तो खोजने आए, जब खोजने आए तो इसी मुकाम पर जहाँ इनका कब्रिस्तान है यानी मजार है उनका लाश मिला। इनका वसीयत था कि जहाँ मेरा लाश मिलेगा वहीं दफन कर देना जी। इनके मुरीदीन लोग जहाँ लाश मिला यहीं दफन कर दिए। उस जमाने में ये सब जंगल था, हमारे दौर में भी यहाँ आना अकेले किसी की बस की बात नहीं थी। इतना करवन और इतना जंगल झाड़ी था। बहरकैफ यही दफन हो गया। और उसी वक्त से मुहर्रम के 7 तारीख का फातिहा उर्स स्टार्ट हुआ। इन्होंने 2-3 गो वसीयतें की थी जी। कि तुम लोग टेढ़ी हरैया में रहो, अपने मुरीदीन को कहे थे कि तुम लोग टेढ़ी हरैया में रहो, तुम लोगों के परिवार, तुम लोगों की नस्लें बहुत फूलेंगी फलेंगी, बहुत खुशहाली होगा जी, और किसी तरह की इस गांव में कोई परेशानी भी नहीं होगी। टेढ़ी हरैया, कोरटा, सलगड़ा में उनका आना जाना मैंने विचरण करना था जी। आज तक वो तीनों गांव के लोग बहुत खुशहाल हैं, अमन व अमान के साथ रहते हैं, और तीनों गांव के लोग एक हो करके हर 7 तारीख को मुहर्रम का उर्स उनके नाम से मनाया करते हैं। लेकिन इनका फैज देखिए जी, इस मजार पर आने वालों में मैं समझता हूँ कि यूपी से, छत्तीसगढ़ से, एमपी से, पश्चिम बंगाल से, बगल में उड़ीसा, उड़ीसा से कई स्टेट के लोग यहाँ आते हैं। आज बनारस प्रॉपर, बनारस से भी, सासाराम से भी लोग आए हुए थे और अपनी अपनी मिन्नतों को लेकर आए थे और बड़ी खुश होकर के वापस गए। 3-4 तो देखने में आया कि गोदी में बच्चे को लेकर के आए थे जी। कि मैंने अगले साल आया था, 20 साल शादी को हो गया था, कोई बच्चा इशू नहीं हुआ था, मैं अगले साल आया था और बाबा के करम से हमारा गोद भर गया, मैं बच्चे को लेके आया। भर के इनका अजमत, इनका जो शोहरत है नहीं कहा जा सकता है। चंद मिनटों में टेढ़ी हरैया के लोग, हमारे बुजुर्ग लोग, रात में कोई मुसीबत आता है तो इनको विचरण करते हुए घूमते हुए हमारे गांव के लोग देखे हैं। सुफेद घोड़ा, सुफेद ड्रेस, सुफेद पगड़ी, सुफेद दाढ़ी के साथ एक नहीं 500 लोग हैं कि आधी रात 1 बजे रात के बाद रोड से, पीढ़ी से जाते हुए हमारे गांव के लोग देखे हैं। इसलिए हम लोगों का आस्था यकीदा है और हम लोगों का तमामी काम हो रहा है। वो तो छोड़िए, बगल में जो एक हाथा वाला जमीन है वो डॉक्टर पंकज प्रभात का है जी, जो हार्ट स्पेशलिस्ट है। बिल्कुल, जब से उनको यकीदत हुआ है इनसे, बगल में एक जमीन उन्होंने खरीदा, बाउंड्री भी कराया और इनसे ओबलाइज होकर के अभी अभी उन्होंने एक ऐलान किया है कि लाइटिंग में यानी सोलर प्लेट और कूलर लाइट में जितना भी पैसा खर्च होगा हमारा होगा। मैं अपने शौक से और बाबा से मैं इतना फैजियाब हो गया हूँ कि मैं खुशी से आप लोगों को डोनेट कर रहा हूँ। क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो ये बहुत बड़ी बातें हैं। और मिल्लत की जहाँ तक बात है, हिंदू मुस्लिम जितने भी समाज के लोग हैं, माहौल देश में अबतर से अबतर हो गया, लेकिन हरैया, कोटा, हूर, झूरा,
मरहटिया, करुआ, पतरिया, जो बगल के गांव है, आज तक कोई फिरका वाराना बातें नहीं होती हैं। फसाद तो होना दरकिनार, फिरका वाराना बात भी नहीं होती है। सबका आस्था है, सारे लोग आते हैं अपने अपने हिसाब से, सारे लोग अपने अपने हिसाब से इनको मानते हैं। लगभग जनसंख्या कितना उम्र का? जनसंख्या क्या हमारा नहीं, पूरा 7 मुहर्रम को या फिर 1 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम, 1 मुहर्रम से लेकर के 10 मुहर्रम तक अगर काउंट किया जाए तो लाखों आदमी आते हैं, लाखों आदमी, उससे कम नहीं। आज कल 6 तारीख था, कल 6 बजे शाम से यानी रात भर हमारे कमेटी के 20 नौजवान यहाँ रात भर हैं, रात भर गाड़ियों का ताता, रात भर पब्लिक का ताता, आज दिन भर पब्लिक का ताता बिल्कुल लगा हुआ है, और 10 मुहर्रम तक इसी तरह से लोग आते और जाते रहेंगे। इस मजार मुकद्दस से हम लोगों को और जुम्मा और सोमवार ये हफ्ता में 2 दिन जो है से मैं समझ रहा हूँ कि 500 आदमी जुम्मा को भी आते होंगे और 500 आदमी सोमवार को भी आते होंगे इस सालों भर। और इस मजार मुकद्दस जो अंजुमन टेढ़ी हरैया कमेटी है उस कमेटी ने यहाँ मुजावर लोगों को नियुक्त किए हुआ है जी। उन लोग सोमवार और जुम्मा को आ करके ड्यूटी देते हैं और आने वाले जायरीन के लिए हर सुविधा हम लोग अपने हिसाब से करने का काम करते हैं। इनके नाम से हम लोगों ने 3 एकड़ जमीन, ये बगल में जितना जमीन देख रहे हैं जी सब अपनी है, 3 एकड़ बगल में अभी लेटरिन, गोसुलखाना, बहुत सा काम, 10 लेटरिन, 10 पेशाबखाना का काम चल रहा है जो अनकरीब बन करके कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोगों का जो इरादा है इसमें बहुत बड़ा शेड, आने वाले समय में तो हम चाहते हैं कि हुकूमत झारखंड जी अगर हमारा साथ दे तो पर्यटक स्थल भी होगा बिल्कुल, और इसी ओर मैं बढ़ना चाह रहा हूँ। झारखंड सरकार से अप्लाई किए हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आप भी आइए और यहाँ के रुतबे को मरातिब को देखिए, देखने के बाद सरकार का जो पर्यटन विभाग का जो कुछ रुपया है इस मजार पर भी खर्च हो ताकि इसको और विकसित किया